सर सैयद अहमद ख़ान 5 जिलहज 1232 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। सैयद अहमद के दादा सैयद हादी शाह आलम के दरबार की उम्रा में शामिल थे। सैयद अहमद के वालिद सैयद मुत्तकी का दरबार शाही में बड़ा रसूख था। बादशाह ने उनको वजारत की पेशकश की मगर सैयद मुत्तकी साहब ने मौजरत चाही और अपने बजाय सैयद अहमद के नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन का नाम पेश किया। सैयद अहमद की वालदा अजीज़ुद्दीन निसा बेगम के गैर मामूली किरदार ने उनकी अपनी जिंदगी पर गहरा असर डाला। बचपन का एक वाकया, जब वो 11 बरस के थे तो उन्होंने अपने घर के एक मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया। इस पर उनकी वालदा ने उनको घर से बाहर कर दिया। 3 दिन बाद इस शर्त पर घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जब तक कि उन्होंने उस नौकर से मुआफ़ी नहीं मांगी। 1839 में बहैसियत नायब मुंशी का अहदा संभाला। 14 दिसंबर 1841 को मैनपुरी के जज मुकर्रर किए गए। 10 जनवरी 1842 को मैनपुरी से तब्दील होकर फतेहपुर सीकरी पहुँचे। यहीं से मुख्तसर मजहबी रिसाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखना शुरू किया। अपने बड़े भाई सैयद मोहम्मद ख़ान की सरपरस्ती में सहाफ़त का पहला तजुर्बा सैयदुल अखबार की शक्ल में किया। सर सैयद ने मजहबी, तारीख़ी और इल्मी मौजूआत पर बहुत सी किताबें लिखी। इन किताबों के अलावा उन्होंने बेशुमार सियासी और अखलाकी मजामीन अलीगढ़ गैज़ेट और तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए शाई किए। उनकी किताबों में आसारुस सनादीद, आईने अकबरी, खुतबात अहमदिया और असबाब बगावत हिंद काबिल ज़िक्र हैं। गदर 1857 की बगावत हुई तब सैयद अहमद बिजनौर में थे। उन्होंने तकरीबन 20 अंग्रेज़ों की जान बचाई लेकिन जब घर पहुंचे तो पहले तो उनके सारे करीबी रिश्तेदार मारे जा चुके थे। खुद उनकी वालिदा अस्तबल में रुपोश थी। उनको कई दिनों तक पीने को पानी नहीं मिला और चंद दिनों बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। उस वक्त सैयद अहमद ख़ान साहब की उम्र 40 साल की थी। गदर जिसने हिंदुस्तान की तारीख में एक सिया धब्बा छोड़ा। गदर जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के हाथों आज़ाद कराने की पहली कोशिश थी। गदर 1857 बरतानवी साम्राज्य ने सारे मुल्क को इंतकामी आग के शोलों में झोंक दिया था। हजारों मासूम और बेगुनाह इंसान जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो गए थे। न गोर है, न कफन है, न रोने वाले हैं। इस गदर ने मुसलमानों को कहीं कहा रखा था। मिट गए तेरे मिटाने के निशान भी अब तो, ऐ फलक इससे ज्यादा न मिटाना हरगिज। गम और मायूसी की घटाएं हर तरफ से उमड़ी चली आ रही हैं। जिंदगी एक बोझ बन चुकी है, ताहम सीनों में कांटा सा खटक रहा है। ऐसे में एक अल्लाह का बद्दा सैयद अहमद जब इस मौज दरिया को सर से गुजरता हुआ देखता है तो उसका दिल तड़प उठता है। मसीहत खामोश इशारा करती है कि घर में बैठे फुटों को सीधे। सहूलत पसंदी चुपके से कान में कहती है कि यहां से हिजरत कर जाओ और इन मुसीबतों से छुटकारा पाओ। लेकिन नहीं, सैयद अहमद ने नाउम्मीदी में उम्मीद की किरण के साथ इल्म की शमा को थामे, कौम को अंधेरे गुप से रोशनी की तरफ लाने के लिए सर से कफन बांध कर एक सच्चे मर्द मोमिन का हक अदा किया। गदर के बाद न मुझको अपना घर लूटने का रंज था, न माल व असबाब के जाय होने का। जो कुछ रंज था अपनी कौम की बर्बादी का। आप यकीन कीजिए कि इस गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया।
मेरे बाल सफेद कर दिए। यह ख्याल पैदा हुआ कि अपनी कौम को इस तबाही की हालत में छोड़कर किसी गोशे आफियत में जा बैठूं, लेकिन नहीं, मैंने हिजरत का इरादा तर्क किया और कौम की भलाई के लिए जिद्दोजहद की राय अख्तियार की। सर सैयद की दूरंदेश निगाह ने इस राज को जान लिया था कि कौम की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वो दीन के साथ साथ दुनियावी उलूम से आरास्ता हों। उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेज़ी जदीद तालीमी निज़ाम और साइंसी इल्म से रोशनास हो जाएं। इसके लिए उन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1 अप्रैल 1869 को सर सैयद अहमद ने विलायत का सफ़र किया। हर उस शख्स से मुलाकात की जिससे कौम को फ़ायदा पहुँच सकता है। 4 सितंबर 1870 को वो हिंदुस्तान लौटे। मैंने सिर्फ इस ख्याल से कि क्या राह है जिससे कौम की हालत दुरुस्त हो, दूर दराज का सफर इख्तियार किया। जब कभी आलिमों और महज़ब आदमियों को देखा, जब कभी इल्मी मजलिसें देखें, जहां कहीं उम्दा मकाना देखे, जब कभी उम्दा फूल देखे, जब कभी खेल कूद ऐश और आराम के जलसे देखे, यहां तक कि जब किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क और अपनी कौम याद आई और नहायत ही रंज हुआ कि हाय, हमारी कौम ऐसी क्यों नहीं। सर सैयद इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि जदीद उलूम और आलमगीरी मालूमात को अगर अपने बस में करना है तो अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना ज़रूरी है, लेकिन उनकी नेक नियति को शक की निगाह से देखा गया, बदले में बदनामी मिली। अम्मा, ये सैयद अहमद तो कहता है कि हमारे बहू बच्चे बेटियां अंग्रेज़ी तालीम हासिल करेंगे। ला हौल वला कुव्वत। सुना है जनाब अब बनारस छोड़कर विलायत के दौरे पर हैं, मक्का के बदले लंदन की हज जाते हैं। लंदन जाकर तकसाली क्रिस्तान बनेंगे, क्रिस्तान ईसाइयों के हाथ की गर्दन मरोड़ी मुर्गी मजे ले लेकर खाएंगे। अब तो मजे है लाड साहब के, काम का काम और कौम का नाम। बहुत खूब फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। लंदन से दिल्ली आए 10 यौम के लिए, ये जहमतें उठाई फकत कौम के लिए। लंदन से आते ही एक रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से जारी किया। मैंने तहजीबुल अखलाक इस वास्ते जारी किया कि हिंदुस्तान के जो दिल मुर्दा हो गए हैं उनमें कुछ तहरीक लाई जावे। नासाजगार हालात के बावजूद 24 मई 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली। अरे पागल हो गए ये सैयद अहमद, फरंगियों को अपने हिंदुस्तान से बाहर निकालने के बजाय उनके उलूम सिखाना चाहता है हमारे बच्चों को। क्या समा गया है उसके दिमाग में मालूम नहीं। ताज्जुब इस बात पर कि कुछ लोग उसके बातों में आ गए हैं। मरूब हो गए विलायत से शेख जी। बिल्कुल जी, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। जाहिर हुई कमेटी वो कॉलेज की एक लकीर, आखिर इसी लकीर के सब हो गए फकीर। एक तरफ मुखालिफत की इब्तिदा हुई तो दूसरी तरफ चाहने वाले भी हुए। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, आइए आइए, सब खैरियत तो है। कुछ सैयद अहमद के बारे में खबर? सुना है कि वो लंदन से सीधे इलाहाबाद चले आए हैं। नवाब साहब, इसी सिलसिले में तो हाजिर हुआ हूं और मैं जानता हूं कि आप सैयद अहमद के खास गहरे दोस्त हैं। उसी के मुतालिक आपके नाम एक खत लेकर आया हूं। सैयद अहमद के बारे में क्या लिखा है, जरा पढ़कर तो सुनाना। जरूर मुखालिफत में होगा। हाँ,
लिखा है कोई सैयद अहमद से ना मिले और कोई उनके साथ खाना ना खावे, और अगर ऐसा किसी ने किया तो वो दायरे इस्लाम और जमाते अहले इस्लाम से खारिज हो जाएगा। भाई ये तो इंतहा हो गई, खुदा चाहे माफ करे या मारे। सैयद अहमद मुसलमान हो या काफिर, मुझसे तो ये ना हो सकेगा कि मैं उससे ना मिलूं और उससे खाने खिलाने से परहेज करूं। खुदा के फैसले नेक नियतों पे होते हैं, नेक नियति और खुलूस साथ हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सैयद अहमद की तहरीक को अमली जामा पहनाने के लिए उनके रुफकाए कार ने उनका भरपूर साथ दिया, उनमें अल्ताफ हुसैन हाली, जकाउल्लाह खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबले नैमानी और उनके अलावा विकारुल मुल्क सैयद महमूद, जैनुल आबिदीन, मौली समीउल्लाह खान, मौली चिराग अली, मौली मुश्ताक हुसैन और राजा जयकिशन दास जैसे कई बाशोर हजरात इसमें शामिल थे। बड़े मियाँ, सैयद अहमद तो तालीम में नई सोच और नई रोशनी लाना चाहता है। मैं उनकी बातों से ना सिर्फ मुतासिर हूँ बल्कि मैं उनकी बातों से मुत्तफिक भी हूँ। आप क्यों उनकी मुखालिफत कर रहे हैं? नवाब साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इस नई रोशनी को खुशामदीद कहना चाहिए। हम आप भी कीजिए, जाने दीजिए, रहने दो। अमा हमने भी खूब कर ली है नई रोशनी की बात, अब हमसे बहुत न कीजिए आप 3-5। मियाँ आप कुछ भी कह लीजिए, मेरा दिल तो कहता है कि सैयद अहमद हक पर है। फिर अब तो उसका कॉलेज भी खूब चल निकला है। उनके हम ख्यालों में इजाफा तो हुआ लेकिन लोगों के गुस्से में कमी नहीं आई। इसे तो जूते मारने चाहिए, जूतों का हार पहनना चाहिए। बस सहन हो गया, हमारे को नहीं चलता भाई। सरफिरा है, सरफिरा। ए मियां अब्दुल्ला, अरे उन बच्चों को कहां ले जा रहे थे? वहां की तालीम जदीद तर्ज पर हो रही है। तो हुजूर वाला मोहल्ले के सारे बच्चों को उस स्कूल में दाखिल कराने ले जा रहे थे। क्या आप पागल हो गए हैं? क्या हमारे मासूम बच्चे अपनी जबान छोड़कर उन फिरंगियों की जबान सीखेंगे? लानत है सैयद अहमद पर, खुद तो बदनाम हुआ, हम लोगों को भी खराब किया। काफिर है काफिर, कुफ्र की जबान पढ़ाना चाहता है। अगर इतना ही शौक है पढ़ने का तो खुद जाकर पढ़ो उस मदरसे में। मैं फर्ज करता हूँ कि मैं बदअकीदा हूँ, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक काफिर मुर्तद आपकी कौम की भलाई पर कोशिश करे तो क्या आप उसको अपना खादिम, अपना खैरख्वाह न समझेंगे? आपके लिए दौलत सराय बनाने में, जिसमें आप आराम फरमाते हैं और आपके बच्चे परवरिश पाते हैं, और आपके लिए मस्जिद बनाने में जिसमें आप खुदाए वाहिद का नाम पुकारते हैं, चोहड़े, चमार, कुली, काफिर, बुतपरस्त, बदअकीदा सब मजदूरी करते हैं, मगर आप न कभी उस दौलत खाने के दुश्मन होते हैं और न कभी उस मस्जिद को मुनहदम करने पर आमादा होते हैं। बस आप मुझको भी इस मदरसे उलूम के कायम करने में एक कुली चमार के मानिंद तसुर कीजिए और मेरी मेहनत और मशक्कत से अपने लिए घर बनने दीजिए, और इस वजह से कि इसका बनाने वाला या उसमें मजदूरी करने वाला एक कुली चमार है, खुदारा अपने घर को मत ढाइए। 1875 मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संघ बुनियाद रखा गया, तब उन्होंने कहा, आज जो हम बीज बो रहे हैं कल वो एक बड़ा दरख्त बन जाएगा, जिसकी शाखें बरगद के दरख्त की तरह जमीन में नई और मजबूत जड़ें भेजेंगी। ये कॉलेज एक वक्त में शायद जो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा और उसके तलबा मुल्क के इस कोने से उस कोने तक आजादाना इल्मी जस्तजू, कुशादा दिली, बर्दाश्त और ऊंचे अखलाक को फैलाने का जरिया बना। मोमेडन कॉलेज सिर्फ मुसलमानों की नहीं
बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए कायम किया गया। ए हिंदू, ए मुसलमान, मैं तुम दोनों को मिसल अपनी दो आंखें समझता हूं। मैंने बारहा कहा है और फिर कहता हूं, हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है जिसके खूबसूरत और रसीली दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर वो दोनों आपस में निफाक करेंगे तो वो प्यारी दुल्हन भेंगी हो जाएगी। हिंदू और मुसलमान यहां इस तरह आबाद हैं कि एक का घर दूसरे से मिला है, एक की दीवार का साया दूसरे के घर में पड़ता है। मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सी रस्में अख्तियार कर ली, हिंदुओं ने मुसलमानों की सैकड़ों आदतें ले ली। यहां तक कि हम दोनों आपस में मिले और हम दोनों ने मिलकर एक नई जुबान उर्दू पैदा कर ली, जो न हमारी जुबान थी न उनकी। क्या इसी जमीन में तुम दफन नहीं होते? क्या इसी घाट पर जलाए नहीं जाते? एक दूसरे के बगैर चारा नहीं। बस अगर हम इस हिस्से से, जो कि हम दोनों में खुदा का हिस्सा है, कता नजर करें और दर हकीकत हिंदुस्तान में हम दोनों बाएतबार अहले वतन होने के एक कौम हैं। लेकिन जब सरकारी दफ्तरों और मदारिस से उर्दू खारिज करने की तहरीक चली तो सैयद अहमद के दिल को ठेस पहुंची और बहुत सदमा हुआ। उन्होंने उर्दू मुखालिफ तहरीक को हिंदू मुसलमान निफाक की इब्तिदा करार दी। काश मेरे वतन में भी ऐसे लोग होते जो कौमी खिदमत को जाती नाम और नमूस से अलहदा रखते और वतन की खिदमत का जज्बा जाती मनफात पर गालिब आ जाता। वो एक इंकलाबी की तरह अपने मुल्क में तालीम का नया खाका लाना चाहते थे जिससे हर कोई फायदा उठा सके। वक्त कम है और काम ज्यादा, नबज में कुव्वत है कि सूरज को ठहरा कर दिन को बढ़ा दूं, और न ये ताकत है कि सूरज को निकलने से बाज रखकर रात को उसत दे दूं। जमाने की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी तहरीक को जारी रखा। सैयद अहमद की मुखालिफत में अब इतनी शिद्दत पैदा हो गई कि अब सांस लेना मुश्किल हो गया। अगर और कोई दूसरा होता तो गोशा नशीन हो जाता। अगर आइंदा तुम अपनी गाड़ी में सवार होकर बाहर निकले तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तो तुम्हें बंदूक मारे बगैर हरगिज नहीं रहूंगा। सर सैयद अहमद खान साहब ने उन धमकियों का कभी ख्याल नहीं किया। अब मुखालिफत हजारों लोगों का मशगला बन गई, बोहतान लगाने की सारी हदें पार कर ली। अरे भाई, तुम्हें कुछ पता भी है? सैयद अहमद ने अपना सर अंग्रेजों के यहाँ 10,000 में गिरवी रख दिया है। क्या कहते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम कि फिरंगी सरकार उनका सर काट कर लंदन ले जाएंगे और लंदन के अजायब घर में रखेंगे। बिल्कुल। एक दफा यही सर बेचने का तस्करा सैयद अहमद के सामने हुआ तो उन्होंने कुशादा दिली के साथ फरमाया, जो चीज खाक में मिलकर खाक होने वाली है उसके लिए इससे ज्यादा क्या इज्जत हो सकती है कि दानिशमंद लोग उसको रुपया देकर खरीदें और उसकी कीमत का रुपया कौम की तालीम में काम आवे। जूं जूं मुखालिफत बढ़ती गई उनके हौसले मजबूत होते गए, मगर इन मुखालिफतों से कभी उनके दिल में मैल नहीं आया। वो अपने रुफकाए कार और चाहने वालों से कहते, मुझको कहां तक बचाओगे? मैं हदफ मलामत हो गया हूं और रोज बरोज होता जाऊंगा। शायद मेरे बाद कोई जमाना आवेगा जब लोग मेरी दिल सोजे की कदर करें।
मदरसे उलूम के ख्वाब की ताबीर रुपये के बगैर पूरी नहीं हो सकती थी। सैयद अहमद ने अपने दोस्तों साथियों से सबसे मुतालबे किए। उनके दोस्त चंदा देते देते थक जाते, लेकिन वो चंदा मांगते मांगते नहीं थकते। चंदा मांगते वक्त उन्होंने इस बात का कभी ख्याल नहीं किया कि मैं कौन हूँ, किससे मांगता हूँ और किस तरह मांगता हूँ। अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि हमारे दोस्त भी हमसे मिलते हुए डरते हैं कि कुछ सवाल न कर बैठे। हमारी सूरत ही अब सवाल हो गई है। मैंने एक दोस्त से कहा कि भाई, मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा था, इस लिखे के बिद मिलाता हूं, मगर शुक्र है अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए। उन्होंने एक ड्रामा भी स्टेज किया। सर सैयद ने अपना तरतीब करदा ड्रामा 6 फरवरी 1894 अलीगढ़ में पेश किया। अलीगढ़ में नुमाइश के मौके पर पेश किया गया ये ड्रामा चंदा हासिल करने के लिए स्टेज किया गया था। कौन है जो आज मुझको स्टेज पर खड़ा देखकर हैरान होता होगा? रईसों और दौलतमंदों, तुम अपनी दौलत व हशमत पर मगरूर होकर ये मत समझो कि कौम की बुरी हालत हो और हमारे बच्चों के लिए सब कुछ है। यही उन लोगों का ख्याल था जो तुमसे पहले थे, मगर अब इन्हीं के बच्चों की वो नौबत है जिसके लिए हम आज स्टेज पर खड़े हैं। ऐसा ही वो, हर कोई तस्लीम करता है कि तालीम न होने से कौम का हाल रोज बरोज खराब होता जाता है। कौम के बच्चे अखराजात तालीम के सरंजाम न होने से जलील व रजील हो जाते हैं। मैंने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिससे कौम के गरीब बच्चों के अखराजात तालीम में मदद पहुंचे, मगर अफसोस कामयाबी नहीं मिली। खुद लोगों से भीख मांगी मगर कलील मिली। वॉलंटियर बनाने चाहे मगर बहुत कम बने, और जो बने उनसे कुछ बनना आई। बस स्टेज पर इसलिए आया हूं कि कौम के बच्चों की तालीम के लिए कुछ कर सकूं। सैयद अहमद ने मजबूर होकर फकीरों का लिबास पहना, गले में झोली डालकर दर बदर की भीख मांगने निकल पड़े। लोगों ने जूतों का हार पहनाया। चारों तरफ से मुखालिफत, तासुब, तंग नजरी जब हद से ज्यादा हुई तो सैयद अहमद ने गम और हसरत के साथ कौम को आगाह किया। ऐ साहिबो, हमारी जिंदगी करीब इख्तिताम है। चंद साल ही हमारी तुम्हारी उम्र में और बाकी हैं। ये सफेद सफेद दाढ़ियां, पोपले पोपले मुंह जमीन में गड़कर या मरगट पर जलकर खाक हो जाएंगे, मगर याद रखो ये बच्चे जिनको तुम जवान छोड़ जाओगे, इनका ये हाल होगा कि रोज बरोज मुफलिस व जलील ख्वार होंगे, जेल खाने इनसे भरा करेंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने अजीज और प्यारे बच्चों को गारत न करो, उनकी आइंदा जिंदगी अच्छी तरह बसर होने का सामान करो। मुझको तुम कुछ ही कहो, मेरी सुनो या ना सुनो, मगर याद रखो अगर तुम एक कौमी तालीम के तौर पर इनको तालीम न दोगे तो वो आवारा खराब होंगे। तुम उनकी अबतर हालत को देखोगे, बेचैन होगे, रोगे, कुछ न कर सकोगे। तुम अगर मर जाओगे तो अपनी औलाद की जिंदगी देखकर तुम्हारी रूहें कब्रों में तड़पेंगी और तुमसे कुछ न हो सकेगा। अब भी वक्त है और तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर याद रखो मैं पेशीनगोई करता हूं, अगर
چند روز تم اسی طرح غافل رہے تو ایک زمانہ آئے گا کہ تم چاہو گے اپنے بچوں کو تعلیم دو, ان کی تربیت کرو, مگر تم سے نہ ہو سکے گا. مجھ کو کچھ کہو, کافر, ملحد, فاسق, میں تم سے اپنی شفاعت کے واسطے خواست کر رہا ہوں. میں تم سے خدا کے سامنے کچھ سفارش نہیں چاہتا. میں جو کچھ کہتا ہوں تمہارے بچوں کی بہتری کے لیے کہتا ہوں. تم ان پر رحم کرو, ایسا کرو کہ آئندہ پچھتانا نہ پڑے. دنیا میں کسی بھی قوم کی ترقی کے یہی دو نشان ہیں, ایک یہ کہ وہ سمجھنے لگیں کہ وہ ذلت اور خرابی میں مبتلا ہے, اور دوسرا نشان یہ ہے کہ وہ اس ذلت سے نکلنے کی کچھ کوشش ضرور کریں. کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ بے غیرتی نہیں کہ وہ اپنی قومی تاریخ کو بھول جائے اور اپنے بزرگوں کی کمائی کھو دے. سر سید عورتوں کی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتے تھے. ان کی تقریر کا ایک حصہ جو انہوں نے 1884 میں بمقام گرداسپور خواتین پنجاب کے ایڈریس میں لکھی تھی, ہندوستان کی پہلی تاریخ تھی جس میں ہندو, مسلمان, سکھ اور عیسائی عورتوں کو مخاطب کیا گیا. بہنوں, تم یقین جانو, تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری پیاری بیٹیوں کو میں بھول گیا ہوں, بلکہ میرے یقین ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پر کوشش کرنا لڑکیوں کی تعلیم کی جڑ ہے. بس جو خدمت میں تمہارے لڑکوں کے لیے کر رہا ہوں, در حقیقت وہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے. ہاں ہاں, یہ بات سچ ہے کہ تمہارے خاندانوں کے مردوں کی نالائقی اور جہالت سے تمہارے حقوق جو خدا کے حکم سے تم کو ملے ہیں اور جن کا انسانیت کی روح سے تمہارا حق ہے, وہ حق تم کو پھر سے واپس دلانے کی یہی تدبیر ہے کہ تمہاری لڑکیوں کی تعلیم میں کوشش کی جائے. میں دعا دیتا ہوں کہ تم پر بھی خدا کی برکت ہو اور ہر طرح کی ترقی اور خوشی تم کو نصیب ہو. آمین. 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 برسوں کی مسلسل جدوجہد نے بالآخر فضا ہموار کر دی. 1875 میں قائم کیا گیا مومیڈن اورینٹل کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا. علی گڑھ کے خاموش ویرانے میں باہر کے آثار نظر آنے لگے. میرے بے چین دل کو آج کچھ قرار سا آ گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے. میں اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا چاہتا ہوں. میری ہڈیوں کو اس غم نے پگھلا دیا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ وقت کا قافلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے, لیکن تم ہو کہ خواب غراں سے بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. میں نے برسوں لگاتار تمہیں جگانے کی جد و جہد کی. خدا کی کوئی صبح مجھ پر ایسی طلوع نہیں ہوئی جب اس مقصد طلب سے میرا دل خالی ہوا ہو, اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں گزری جب میں نے اس کی تمنا میں اپنے بستر غم پر بے قراری کی کروٹیں نہ بدلی ہوں. آج مسجد کی محرابیں اور اس حال کے یہ بام و در دیکھتا ہوں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کی بے قراریوں نے اس کالج کا پیغر اختیار کیا ہے. دیکھو,
देखो मेरी एक नसीहत याद रखना, तरक्की की जड़ यही है कि सबसे पहले इल्म के खजानों को अपने काबू में कर लो। 1898 मार्च की 28 तारीख, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। सर सैयद अहमद खान साहब ने दाई अजल को लब्बैक कहा। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फर्क जो है कहने वाले और करने वाले में, कहे जो चाहे कोई, मैं तो ये कहता हूं ऐ अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल जहाँ पर बरसेगा, हर जूर रहा पर बरसेगा, हर कोहे करा पर बरसेगा, पर सर्व समन पर बरसेगा, पर दश्त समन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, पैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर तरफ पर कड़केगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, 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 बरसेगा।